गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। अगर हम सेकंड देखते हैं तो सेकंड में क्या दिया हुआ है, एक सेट दिया है आपको डी, जो कि है 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ठीक है ना। तो इस डी सेट को क्या लिख सकते हैं, ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट 10 से एक्स की वैल्यू 15 के बीच में है एंड एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, नेचुरल नंबर, जो चाहो लिख लो, ठीक है ना। थर्ड E इक्वल टू जीरो, थर्ड जो क्वेश्चन है वो है E इक्वल्स टू जीरो एज एन एलिमेंट। तो E सेट को क्या लिख सकते हैं, ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट, क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, कुछ ऐसे इक्वेशन बना लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर्स, ठीक है ना, x belongs to whole number, तो इसका आंसर x equal to 0 ही आएगा, ठीक है ना। ऐसा मैंने एक इक्वेशन बना दिया, ठीक है, आप जैसे चाहो इक्वेशन बना सकते हो। ड्रिल वन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर वन का फोर्थ, सिद्धार्थ का डाउट है, सिद्धार्थ अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर वन का फोर्थ, x belongs to natural number such that x is equals to 2 times n where n belongs to natural, ठीक है ना। तो अगर मुझे इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो मान लो इसको मैंने नाम ए दे दिया, ए सेट क्या है 2n है, 2 के मल्टीपल सारे के सारे जहाँ पे n नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, तो 2, 4, 6, 8, 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो ये सेट आ जाएगा आपके पास। आई गेस क्लियर है, ठीक है। तो ड्रिल वन हमारा डिस्कस हो चुका है, किसी भी का ड्रिल वन में कोई और क्वेश्चन अगर बाकी है तो मुझे बता सकते हैं आप। यस मुस्तफा सर, वो आपने सेकंड वाले क्वेश्चन में जो फर्स्ट वाला पार्ट किया है ना, सर उसमें वो एक्स को लेस देन 7 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, लेस देन 7 या बिल्कुल लिख सकते हैं, एक्स लेस देन 7 लिख सकते हो आप, अच्छा ओके, एक्स लेस देन 7 लिख सकते हो आप, यस यू कैन, ओके। नेक्स्ट हो गया सर सब कंप्लीट, ड्रिल वन इज बीन डन। अब आ जाते हैं मोहम्मद जम्बूगुड़ा, कोई डाउट है, यस मोहम्मद सर, मैंने मतलब वो जो फर्स्ट का थर्ड था ना, सेकंड का थर्ड, उसमें एक्स बिलोंग्स टू जेड लिखा है सच दैट एक्स इज बिटवीन माइनस वन टू वन, वो चलेगा, चलेगा चलेगा बिल्कुल चलेगा, ठीक है ना, बिल्कुल चलेगा सर। मुझे पूछना ही था कि राइट है कि नहीं, बिल्कुल राइट है, ठीक है। आयुष का कोई डाउट है, यस आयुष सर, एक थोड़ा सा कंफ्यूजन सर, एक चीज सर, वो सेट अगर 5 होता है, 5 तो नहीं सेट इक्वल टू 5, हां लिख सकते हो आप, x इज इक्वल टू 5 सर, एक चीज में निकला एक सेट का डिफाइन 2.5 तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, या शायद माइक्रोफोन निकाल के बात करो, डायरेक्टली बात करोगे तो भी आवाज आ जाएगा। सर मेरा क्वेश्चन है कि एक सेट था, मैंने क्वेश्चन में देखा कि उसमें जैसे कि सेट ए नहीं, तो वो फाइव तो नल सेट रिप्रेजेंट करता है, तो उसके अंदर एलिमेंट फाइव हो सकता है ना भाई, मान लो ए अगर मैंने 5 लिख दिया तो ये नल सेट होता है, बट अगर ए के अंदर मैंने ऐसा लिखा तो 5 के अंदर एक एलिमेंट है, 5 इसके अंदर एक एलिमेंट है, ठीक है, 5 एक एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा, जैसे ए एक एलिमेंट है, ठीक है, ओके, डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। ड्रिल टू देख लेते हैं, चलो ड्रिल टू में क्या क्या डाउट्स है फटाफट मुझे मैसेज कर दो, ड्रिल टू में क्या क्या डाउट्स हैं आपके, ड्रिल टू, ओम तुमने जो डाउट लिखे हैं पता नहीं चल रहा है, एक्सरसाइज के शायद, हम ड्रिल वाइज चलेंगे, ड्रिल वन हो गया, आप ड्रिल टू देख रहे हैं, ड्रिल टू में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मेंशन इट डाउन।
कोई डाउट है ड्रिल टू में? कोई डाउट नहीं है, ठीक है डन। ड्रिल टू में कोई डाउट नहीं है। ड्रिल थ्री, ड्रिल थ्री उठा लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन ड्रिल थ्री। यस काव्य सर, सेम लास्ट क्वेश्चन फोर है ना, ड्रिल थ्री का लास्ट क्वेश्चन डाउट है, उसको देख लेते हैं एक बार। मुस्तफा कौन सी ड्रिल का बोल रहे हो? फोर्थ ड्रिल टू का बोल रहे हो क्या? हाँ क्या ड्रिल टू का फोर्थ बोल रहे हो क्या? ड्रिल थ्री में तो बेटा फोर्थ है क्या? ड्रिल थ्री का फोर्थ देख लो एक मिनट। हाँ है फोर्थ, ये तो क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है ड्रिल थ्री का फोर्थ। कोई बात नहीं कर लेते हैं फिर से, बटले थर्ड देख लेते हैं। थर्ड बच्चों का कंसर्न है, लास्ट क्वेश्चन कंसर्न है। अच्छा लास्ट फोर्थ ही क्वेश्चन कंसर्न है, सबका ही कंसर्न फोर्थ है। अच्छा फोर्थ देख लो क्या लिखा है। एक्स इज नथिंग बट एट रेज टू एन माइनस सेवन एन माइनस वन। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स लिखा हुआ है, तो आप नेचुरल नंबर्स पुट करके देख लो। वन डालेंगे तो आंसर जीरो आ जाएगा, तो एक्स सेट क्या है जीरो। टू डालेंगे तो 49 आ जाएगा। थ्री डालेंगे तो 490 आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये सब आ जाएगा। वाई अगर आप देखोगे तो ये 490 4900 ऐसे बनेगा। लेकिन अगर वाई की मैं बात करूँ तो वाई क्या जाएगा जीरो, देन यू विल हैव 49, देन यू विल हैव 98 एंड देन इट गोज ऑन, ठीक है। तो यहाँ से क्लियरली ऑब्जर्वेशन से एक्स जो है वाई का सबसेट है, ठीक है ना, एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई। नेक्स्ट आ जाते हैं, आगे चलते हैं अपन लोग। ड्रिल फोर में कोई डाउट है क्या? ड्रिल फोर एनी डाउट यू हैव चैट बॉक्स में लिख दो मुझे। ड्रिल फोर में कोई डाउट है? ड्रिल फाइव में कोई डाउट है? ड्रिल फाइव में क्या लिखा हुआ है? ड्रिल फोर में सिद्धार्थ कौन सा डाउट है? ड्रिल फोर में सिद्धार्थ अग्रवाल, ड्रिल फोर में कौन से क्वेश्चन में डाउट है? ड्रिल फोर क्वेश्चन नंबर थ्री में डाउट है। यस मोहम्मद एक मिनट रुक जाओ, ड्रिल फोर में क्वेश्चन नंबर थ्री एक बार देख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट दिया है, ए दिया है, बी दिया है, आपको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट वेरीफाई करना है। ए यूनियन बी क्या होता है? ए यूनियन बी आपके लिए हो जाएगा वन टू थ्री फोर, टू थ्री तो इसी में था, फाइव और सेवन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। और ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो जाएगा? वन टू थ्री फोर फाइव, तो इसमें आ गया सिक्स एट नाइन आ जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। नाउ हैव टू प्रूव ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आपके लिए फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन। नेक्स्ट बी का कॉम्प्लीमेंट आपके लिए क्या हो जाएगा? बी का कॉम्प्लीमेंट आपके लिए हो जाएगा वन फोर सिक्स एट नाइन, वन फोर सिक्स एट नाइन, ठीक है ना। अब हमें क्या बताना है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो मैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेता हूँ, तो कॉमन एलिमेंट्स ट्रेस आउट हो जाएंगे सिक्स एट नाइन, ठीक है ना। तो सिक्स एट नाइन हो जाएगा आपके लिए। इज इट क्लियर? आई गेस ये क्लियर है। सिक्स एट नाइन विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। फोर्थ का क्वेश्चन थ्री कर लिया, सेम वे में इंटरसेक्शन बी वाला भी आप कर लेना। ड्रिल फाइव में आ जाते हैं। ड्रिल फाइव में क्या बोला हुआ है? ड्रिल फाइव में क्वेश्चन नंबर फोर, ड्रिल फाइव में कोई डाउट है क्या? ड्रिल फाइव में बेटा मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर फोर तक ही है, आप लोगों के पास कैसे ज्यादा है? मुस्तफा ड्रिल फाइव का क्वेश्चन नंबर थ्री, ड्रिल नंबर फाइव का क्वेश्चन नंबर थ्री। आयुष एक बार चेक कर लो, ड्रिल फाइव में ही आप बता रहे हो मेरे को।
मोहम्मद नल्ला वाला कुछ बोलना चाहता है? यस मोहम्मद। सर थर्ड और फोर्थ सर और फर्स्ट क्वेश्चन में वो एग्जांपल लेके ही करना है जो दिया हुआ है। हाँ एग्जांपल के साथ ही करेंगे, दिया हुआ है ना यूनिवर्सल सेट, दिया ए दिया है बी दिया है, तो प्रूफ कर दें आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, कर लोगे ना? फर्स्ट तो काफी आसान है, आई एम नॉट डूइंग फर्स्ट, आई एम नॉट डूइंग फर्स्ट। थर्ड और फोर्थ सेकंड हम कर चुके हैं क्लास में, थर्ड वाला कर लें एक बार। थर्ड में क्या लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई है ठीक है ना, दिस इम्प्लाइज ए इज अ सबसेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट है ना, आपको ये प्रूफ करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई है तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स बिलोंग्स टू ए ठीक है ना, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, और भाई ए इंटरसेक्शन बी का फाई का मतलब क्या है, ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, मतलब अगर x a को बिलोंग करता है तो x b को बिलोंग नहीं करेगा, या x a को बिलोंग नहीं करता है तो x b को बिलोंग करेगा, और x does not belong to a and x belongs to b ठीक है। तो अगर x a को बिलोंग करता है x b को बिलोंग नहीं करता है तो x a को बिलोंग करता है एंड x belongs to b complement, इज इट क्लियर? x a को बिलोंग करता है x b complement को नहीं बिलोंग करता है, अगर x a को बिलोंग नहीं करता है x b को बिलोंग करता है तो x b कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग नहीं करेगा, x does not belong to a and x does not belong to b कॉम्प्लीमेंट। यस बेटा प्रीत बताओ। सर आपने जैसे ये सम कर रहे हैं ना, मतलब मैंने ऐसे ही किया बस, सुनो फाइनल में ना सर ये बस स्टेट वो प्रूव हो गया ना कि मतलब एक भी एलिमेंट ए को बिलोंग नहीं करता है, तो वहां से कंक्लूड कर दिया कि ए नल सेट है, और ए नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट दैट इज वन और मोर देन वन एलिमेंट। नल सेट ऐसा कैसे प्रूफ कर दिया, मतलब क्या प्रूफ किया आपने नल सेट किसको? सर मतलब उधर दिया है ना क्वेश्चन में कि वो ए इंटरसेक्शन बी फाई है, तो सर मैंने फिर ऐसा लिया कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट, फिर उसको मैंने डी मॉर्गन लॉ से खेल दिया, a complement union b complement equal to u, मतलब all elements belong to a complement or b complement, मतलब none elements belong to a, फिर उधर से बस statement लिख दिया। अच्छा मतलब ये सही है procedure, मतलब आपने a union a complement a union b का complement नहीं a complement union b complement is equal to universal set बोल दिया है ना? हाँ, तो आपने बोल दिया x belongs to a complement और x belongs to b complement है ना? B complement है ना for all x, तो x a में होगा या तो x b में होगा, a में नहीं, हाँ, या तो इसका मतलब क्या है, या तो x a में नहीं होगा या x इसमें होगा, ऐसे बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से कैसे कंक्लूजन निकला? सर नहीं मतलब ये x belongs to a complement से मैंने खाली उतना लिख दिया कि x does not belong to a, तो मतलब universal set belong कर रहा है a complement को उसके union के साथ, तो सर a में तो कुछ नहीं होगा ना, सबसेट कैसे प्रूव करेंगे? ये हमेशा प्रूव करना है कि इसका सबसेट ही होगा सर, तो मतलब इधर से हम null set conclude नहीं कर सकते, यहाँ से conclude कर पाएंगे? देखो x belongs to a and x belongs to b complement, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x अगर a में बिलोंग करेगा तो x b में बिलोंग करेगा ही करेगा, तो यहाँ से ये बोलते हैं x belongs to a, this has been proved that x belongs to b complement ठीक है ना? ठीक है, अब लेकिन हमको ये बोलना है कि a जो है वो b complement का सबसेट है, तो यहाँ से मैं दूसरी एक चीज तो ये मैंने बोल दिया, तो ये पता चल गया a is a subset of b complement ठीक है ना। नेक्स्ट अभी हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखो, x does not belong to a and x does not belong to b complement, तो यहाँ से मैं क्या बोलता हूँ, x belongs to a and x belongs to a complement and x belongs to b, तो यहाँ से फिर दूसरा प्रूव हो जाएगा कि a complement is a subset of b ठीक है ना, तो हमारे को तो ये प्रूफ करना है, हमने ये प्रूव कर दिया, ये स्टेटमेंट से हमने प्रूफ करा यहाँ पे। यस मोहम्मद। x belongs to a और फिर बाद में x belong to b complement से वो a उसका सबसेट कैसे हो गया? भाई अगर a में है और फिर वो b complement में है तो a b complement का सबसेट है।
है ना, अगर यहाँ से प्रोसीजरल नहीं पता चल रहा है आपको तो आप वेन डायग्राम से बता दो कि भाई ये तीन रीजन है 1, 2 और 3, ठीक है ना, ए इंटरसेक्शन बी इज 5, मतलब ए में भी नहीं, ए में है तो बी में नहीं होगा, तो या तो एक्स 1 में होगा, ठीक है ना, या तो एक्स 1 में होगा या तो एक्स 2 में होगा, ठीक है ना, ओके। तो अब हम क्या बोल रहे हैं, या तो एक्स 1 में होगा या तो एक्स 2 में होगा, ठीक है, मतलब ये तुम्हारे पास गिवन कंडीशन है। तो यहाँ से अगर तुम बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो बी का कॉम्प्लीमेंट तुम्हारे पास ये वाला रीजन आ जाएगा। तो बी का कॉम्प्लीमेंट देखो, या तो एक्स इसमें होगा या तो इसमें होगा या तो एक्स थर्ड रीजन में होगा, तो एक्स 1, 2 या 3 रीजन में हो सकता है। इज इट क्लियर? अब यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ए कौन सा रीजन है, 1 रीजन है, बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा रीजन है मेरे पास, 2 और 3 है, 3, ठीक है ना, 2 और 3 रीजन, पूरा 3 नहीं 1 वाला भी आएगा ना उसमें, सॉरी 2 और 3 लिख रहा हूँ, गलत लिखा मैंने, एक चीज यहाँ पे भी, एक सेकंड, ये भी स्टेटमेंट रुको लिखना पड़ेगा, एक सेकंड, यहाँ पे हम ऐसा बोलेंगे ए रीजन 1 रिप्रेजेंट करता है और जो मेरा बी कॉम्प्लीमेंट है वो रिप्रेजेंट करता है 1 और 3, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली ए इज अ सबसेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहता हूँ ना, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा बी इज अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ये चीज यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वेन डायग्राम से एनालिसिस करके आप इजीली बता सकते हो, काफी आसान हो जाएगा आपके लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड तो कर लिया अपन ने, थर्ड कर लिया अपन ने, फोर्थ देख लेते हैं, फोर्थ, ठीक है ना, कहीं से भी हम कंक्लूजन देना हमको आना चाहिए, हाँ मैं कंक्लूड कर पा रहा हूँ यहाँ से, तो वेन डायग्राम से मुझे लगता है ज्यादा आसानी से बता पा रहे हैं। यहाँ पे आपको इस केस में ऐसा लेना पड़ेगा और इस केस में ऐसा लेना पड़ेगा, तभी आप जस्टिफिकेशन दे सकते हो। सर हाँ बेटा, जो फोर्थ वाले के सारे प्रूविंग सम्स है ना, उसमें दोनों साइड प्रूव करना होता है ना, तो दूसरी साइड प्रूव करने से अच्छा जो राइट हैंड साइड प्रूव किया वो उसका उल्टा ही लिख दिया दूसरी बार। आप वेन डायग्राम से करोगे, सिर्फ एलिमेंट्स बता दो कौन से रीजन की हम बात कर रहे हैं, तो भी काम आपका हो जाएगा। इज इट क्लियर? प्रूविंग वेन डायग्राम से कर सकते हैं सर, अरे बताया तो मैंने 3-4 मेथड है, आप स्टेटमेंट से बताओ, वेन डायग्राम से बताओ, एग्जांपल से बताओ, लेकिन एग्जांपल के केस में एक्चुअली क्या होता है ना, एग्जांपल हम ले लेते हैं और वो स्पेशल केस हो जाता है, वो सब सबको सेटिस्फाई करे ना करे, तो आपने अगर एग्जांपल सही लग गया आपका, एग्जांपल का मतलब क्या, तुक्का मारना है, तुक्का सही लग गया तो आंसर सही आ जाएगा, तुक्का सही नहीं लगा तो आंसर सही नहीं आएगा, ना वो एग्जांपल पे डिपेंड करता है। यस सिद्धार्थ, सिद्धार्थ चौधरी कुछ बोल रहा है, सिद्धार्थ बोलो। सर वो पूछ रहा था कि तो सर एमसीक्यू टाइप में मतलब टेस्ट में इस तरह भी आ सकता है ना कि वो दे दिया हो हमको, मतलब वेन डायग्राम दिया हो। हां सुनो, अगर कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, उसके लिए तो पूरी एक्सरसाइज दी हुई है, पूरी एक्सरसाइज में जिस टाइप के क्वेश्चन है वैसे आ सकते हैं। एक्सरसाइज अगर आपने चैप्टर की करी है तो उसमें सब है ना एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, कैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं। अब फोर्थ में देखो क्या लिखा हुआ है, देयर इज ये लिखा हुआ है, एक सेकंड, प्रीत को भी कुछ कंसर्न है, प्रीत बताओ। सर मतलब सिद्धू बोल रहा था ना एक्चुअली अरे एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आते सर, ऐसे में तो वेन डायग्राम, हां वेन डायग्राम, आपने अपने आप को म्यूट कर दिया एक्चुअली प्रीत, एक सेकंड, यस प्रीत। हाँ सर मैं वही बोल रहा था, वो गलती से म्यूट हो गया था, कि वो वेन डायग्राम से बहुत इजीली प्रूव हो जाएगा, तो हम ऑप्शन से ही मैच कर लेंगे फिर। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, वेन डायग्राम में सबका ऑप्शंस के सबके वेन डायग्राम बना लेना, ऑप्शन सर ऐसा है कि वेन डायग्राम बना लेना, वही पूछ रहा था मैं। हाँ ऑप्शन जितने है ना सबके वेन डायग्राम बना लेना, और जो गिवन क्वेश्चन है मान लो उसका वेन डायग्राम बनाए तो रीजन 2 आ रहा है, ऑप्शंस का बनाए तो 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, किसी का 2 आ रहा है, तो 2 वाला ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। Is it clear? Next, okay, next हम देख लेते हैं, I guess, drill 5 का fourth करना है क्या? Drill 5 का fourth करना है क्या? आ गए उसके सारे। सारे के सारे आ गए answers? देखो मैं बता देता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन में बताऊँ, देखो क्या लिखा, ए यूनियन बी
माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज ए माइनस ऑफ बी यूनियन बी माइनस ऑफ ए, ठीक है ना। तो हम सेट बना लेते हैं ए और बी का, ये ए है और ये बी है मेरे पास, ये ए ये बी, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, रीजन कौन सा है, 1, 2, 3 है। ए इंटरसेक्शन बी मतलब रीजन 2, तो 1, 2, 3 में से अगर सेकेंड रीजन में निकाल दूं तो 1 और 3 रीजन बचेगा LHS में। अब RHS की बात करते हैं, A माइनस बी मतलब A में हो B में ना हो, मतलब रीजन 1 हो गया, प्लस B में हो A में ना हो, रीजन 3 हो गया, तो 1 और 3 प्रूव हो गया LHS RHS, आसान है, ठीक है। सेकेंड हम देख लेते हैं, ओके, A इंटरसेक्शन B यूनियन ऑफ A माइनस B इज इक्वल टू A। A इंटरसेक्शन B मतलब रीजन 2, यूनियन A माइनस B मतलब क्या है, नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या लिखा है, ए माइनस बी मतलब ए में हो बी में ना हो। अब ए में हो बी में ना हो का मतलब क्या है, 1। अब 1 और 2 मिला के क्या रीजन बन रहा है, ए ही तो बन रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा आपका, है ना। आई गेस सबको ये मेथड भी कंफर्टेबल फील हो रही होगी, ठीक है। स्कूल में भी ऐसे बिल्कुल कर सकते हैं 100%, ठीक है। सर मैंने तो मतलब पूरे प्रूव ही कर दिया सम, पूरे बड़े बड़े सर कर देना, बहुत अच्छा। उससे आपका बोलते हैं ना आर्गुमेंटेटिव जो नॉलेज है वो बढ़ जाएगा, कैसे हम आर्गुमेंट को हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव में, बट वेन डायग्राम से तो आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यस चलिए, तो आई गेस ये क्लियर है। अभी कुछ बच्चों को ड्रिल 6 में डाउट होगा, लेट्स गो विद ड्रिल 6 नाउ। ड्रिल 6 में क्या क्या डाउट है आपके बताओ। ड्रिल 6 के डाउट्स मुझे लिख के दे दो फटाफट फटाफट, क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं आपके। सर इसमें तो फार्मूला से ही होगा मोस्ट क्वेश्चंस। सर एक भी आंसर नहीं आया ड्रिल 6 का, अरे बाप रे बाप, एक भी आंसर नहीं आया ड्रिल 6 का। अच्छा एक भी आंसर नहीं आया, अरे बाप रे बाप। ड्रिल 6 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, एक भी तुम्हारा आंसर नहीं आया तो पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथ्स और फिजिक्स, 20 टीचर्स हैं जो मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाते हैं एक स्कूल के अंदर, ऑफ व्हिच 12 टीच मैथ्स एंड 4 टीच फिजिक्स एंड मैथ्स। भाई एक वेन डायग्राम बना लो, फिजिक्स के टीचर हैं और मैथ्स के टीचर हैं, तो इनमें क्या बोल रहा है, रीजन डिवाइड कर लेते हैं 1, 2, 3, ठीक है ना। तो इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथ्स और फिजिक्स, तो 1 + 2 + 3 रीजन इज नथिंग बट गिविंग यू 20 एज द आंसर, of which 12 teach maths. 12 teach maths मतलब 1 और 2 जो है पढ़ाते हैं subject, first और second. वो कितने teachers हैं? 12. Second और third. Second और third. पहले मैंने physics को लिया हुआ. Yes, तो second और third वाले कितने आ गए? 4 आ गए आप. Sorry, 12 आ गए. 12 आ गए, ठीक है ना? Second और third वाले 12 आ गए. और 4 teacher teach physics and maths. तो physics and maths वाले 4 आ गए. ठीक है ना? तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं? तो यहाँ से हम लोग फिजिक्स 12 हो जाएगा, बहुत आसान है यार, 3, 8 हो जाएगा ना। थर्ड वाले रीजन में 8 लोग आ जाएंगे, है ना, सेकंड वाले रीजन में 4 लोग हैं और फर्स्ट वाले रीजन में कितने लोग आएंगे, फिर से 8 आ जाएंगे, टोटल 20 है ना। तो हाउ मेनी टीच फिजिक्स, तो फिजिक्स 1 + 2, 12 लोग फिजिक्स पढ़ाते हैं। अब ये तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है, आप बोल रहे मुझसे आंसर ही नहीं आ रहे सर, सबसे इजी यही था मेरे को तो लगता है, तो बच्चों का 8, 9 वालों को देंगे तो 8, 9 वाले भी कर लेंगे, तो इसमें थोड़ी कुछ करना है। फिर सेकंड कर लेते हैं, सेकंड में क्या लिखा, चलो इना सर पे ताहिर बताना कब तक तुमको कंफर्टेबल लगेगा इसमें, ठीक है ना। जब ऐसा लगे कि हाँ सर मेरे से हो जाएंगे अब तो मुझे बता देना। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वॉज फाउंड दैट 25 रीड न्यूज पेपर एच, 26 रीड टी एंड आई, तो एच टी आई। वेन डायग्राम बना लूं मैं, एच टी आई नामकरण कर दो रीजन्स को। एक काम करो ना, कंफ्यूजन 1, 2, 3 से बहुत होता है, ए बी सी डी ले लो आप, उससे क्या होगा ना नंबर्स और वो नंबरिंग का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इन अ न्यू इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, मतलब अगर मैं बाहर को किसी को एच भी ले लूँ तो ये पता चला कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच
टोटल जो लोग हैं वो 60 लोग हैं. इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड एच न्यूज पेपर. यस मोहम्मद. यस मोहम्मद. सो इस टाइप के सम्स करने की एक और मेथड है ना, मतलब ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन यूज करके कर सकते हो आप. उससे तो वो मुझे समझ नहीं आई. उससे मत करो. समझ नहीं आई तो फिर उसमें क्यों जाना है अपने. जो समझ ही नहीं आती उसमें क्यों जाना है. जो समझ आ रही है आसान से मेथड है उससे करोगा. ठीक है ना. मुझे फिर भी वो एक बार बता दो ना. एक बार बता क्या दो. फॉर्मूला लिख लो. फॉर्मूला की वैल्यूज पुट कर लो आप. वो मेथड हम सिर्फ तभी करते हैं जब ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना हो और फॉर्मूला आपके पास है ए बी सी. ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बी इंटरसेक्शन सी माइनस में और फिर प्लस में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कर लो. ठीक है ना. उसमें वो यूज करते हैं. बाकी हर जगह अपन वेन डायग्राम बनाएंगे और वेन डायग्राम से ही करेंगे. मैं खुद यूज नहीं करता उसको. कौन इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला लिखेगा और वो सब करेगा. वो किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में यूज होगा तो स्पेसिफिक क्वेश्चन उसको सॉल्व कर लेंगे. बाकी हर क्वेश्चन में डेटा निकालना है ए के अंदर कितना होगा बी में कितना होगा. ओनली रीडिंग एच न्यूज़पेपर ओनली रीडिंग आई न्यूज़पेपर. ठीक है ना. ये सिर्फ 11th में लिमिटेड नहीं है. 12th में भी अपन जब प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तब भी यही आएगा. तो उसमें हमको यही करना है भाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पीपल आर रीडिंग एच न्यूज़पेपर ओनली. तो प्रोबेबिलिटी तो ऐसे ही निकलेगा टोटल केसेस अपॉन ऊपर नंबर ऑफ पीपल रीडिंग एच न्यूज़पेपर ओनली एच डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल. है ना. तो उसमें अपन ऐसे ही सॉल्व करेंगे. ठीक है. यही मेथड है. दूसरा अगर लिखने वाली मेथड से करना है तो वो आप कर सकते हो. फिर उसके अंदर फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला हर में लगाओ. जैसे एग्जांपल के लिए बताता हूँ. अगर कहीं लिखा है ओनली एच न्यूज़पेपर लिखा है ओनली एच न्यूज़पेपर. तो एच न्यूज़पेपर अपन कैसे निकालेंगे. टोटल नंबर जिसमें एच ना पढ़ते हो तो यू माइनस एच निकाल लो. ठीक है ना. अब यू माइनस जैसे मैं क्या बता रहा हूँ. मान लो मुझे निकालना है ओनली एच न्यूज़पेपर. मतलब मुझे कौन सा रीजन निकालना है. मुझे ये वाला रीजन निकालना है. इफ आई वांट टू फाइंड आउट दिस रीजन. है ना. मुझे ये वाला रीजन निकालना है. ठीक है. अब ये वाला रीजन मैं कैसे निकालूंगा. तो ये वाला रीजन निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा. देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन. ठीक है ना. माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन. देखो एक तो ये माइनस किया आपने. फिर आपने अगर ये माइनस कर दिया तो ई दो बार माइनस हो जाएगा ना. एक बार फिर प्लस करना पड़ेगा. माइनस इंच इंटरसेक्शन आई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एच इंटरसेक्शन आई इंटरसेक्शन टी. ठीक है ना. ऐसे करके निकालना पड़ेगा. बट दिस इज नॉट कन्वीनियंट. आई विल नॉट गो फॉर दिस मेथड. ठीक है ना. मैं इस मेथड के लिए नहीं जाऊंगा. इज इट क्लियर. यस. सबसे आसान है. इससे आसान इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है. इन अ सर्वे 60 पीपल. तो पहली इक्वेशन मैंने बना दी 60 लोगों को लेके. इट वाज फाउंड दैट 25 रीड न्यूज़पेपर एच. तो एच जो है वो 25 लोग पढ़ते हैं. मतलब ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई जो है वो 25 लोग पढ़ते हैं. नेक्स्ट 26 रीड न्यूज़पेपर टी. तो 26 लोग जो है वो टी पढ़ते हैं. मतलब बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ. दूसरा क्या दिया हुआ है. और 26 लोग जो है वो आई पढ़ते हैं. तो 26 लोग जो है वो आई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. तो आई न्यूज़पेपर कौन से रीजन को डिनोट कर रहा है. डी ई एफ जी. ठीक है. और क्या दिया हुआ है. न्यूज़पेपर आई. नेक्स्ट क्या दिया हुआ है. 9 रीड बोथ एच एंड आई. तो 9 लोग हैं जो एच और आई दोनों पढ़ते हैं. अब एच और आई दोनों पढ़ने वाला कौन सा है. डी और ई रीजन है. तो डी प्लस ई आपके पास 9 हो जाएगा. नेक्स्ट इक्वेशन में क्या लिखा है. 9 read both H and I. Next, 11 read both H and T. तो 11 जो लोग हैं वो H और T दोनों पढ़ते हैं. तो H और T दोनों का मतलब क्या है. B plus E. और 8 read both T and I. तो 8 लोग जो हैं वो दोनों T और I पढ़ते हैं. T और I मतलब क्या. E plus F. और इसके बाद में क्या दिया है. 3 read all newspaper. तो 3 लोग जो हैं वो सारे newspaper पढ़ते हैं. मतलब E जो है वो 3 है आपके पास. तो यहाँ से क्लियरली क्या पता चलेगा. एक एक स्टेप में ऊपर चलते जाओगे ना तो आंसर्स मिलते जाएंगे. तो एफ कितना आ जाएगा. 5 आ जाएगा बहुत आसानी से. बी कितना आ जाएगा. 8 आ जाएगा बहुत आसानी से. डी कितना आ जाएगा. 6 आ जाएगा बहुत आसानी से.
नेक्स्ट डी ई एफ जी में डी पता है, ई पता है, एफ पता है, जी नहीं पता. तो 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 3 14. तो एफ कितना आ जाएगा, सॉरी जी कितना आ जाएगा, 12 आपके पास आ जाएगा. ठीक है ना, कैसे आया फिर से समझे आप. डी आपके पास 6 दिया हुआ है, ई आपके पास 3 है और एफ आपके पास 5 है. तो 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 5 14. तो जी आपके पास 12 आ जाएगा. नेक्स्ट इसमें आपके पास अननोन क्या चीज है, देखो बी आपके पास 8 है और सी आपके पास अननोन है यहाँ पे. ठीक है ना, तो सी हम निकालने वाले. तो बी 8 है, ई 3 है 11 और एफ 5 है 16. तो ये सी आपके पास 10 आ जाएगा. नेक्स्ट इस केस में ए आपके पास अननोन है, बी डी ई आपके पास नोन है. तो बी कितना है 6, 8, डी कितना है 6, 14 और ई कितना है 7, 3. तो 17 हो जाएगा. 25 माइनस 17 आपके पास 8 आ जाएगा. तो ये सारा आपने निकाल लिया ए बी सी डी. अब बचा क्या, एक इक्वेशन है जिसमें सबका सम कितना 60 दिया हुआ है. तो आप एक काम कर लो, जितने हमारे पास है उनका सम निकाल लेते हैं. तो 10, 18, 30, 36, 44, 49, 52. तो बचा कितना जो लास्ट में बाहर एच था, तो एच मेरे पास 8 आ जाएगा. ताहिर ये क्लियर है, इज इट क्लियर? सिद्धार्थ अग्रवाल को कोई डाउट है? यस सिद्धार्थ बेटा. सर एक बार क्वेश्चन 4 भी सॉल्व कर सकते हो, वो गलती से 6 टाइप कर गया. कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा. ठीक है ना, आज की क्लास में तो शायद नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स विल डिस्कस. इस क्वेश्चन में जो जो क्वेश्चंस उन्होंने लिखे हैं वो बताने. द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, मतलब जो एटलीस्ट एक पढ़ते हैं, मतलब ऐसे लोग जो एक भी नहीं पढ़ते हैं वो घटा देंगे ना. द पीपल हु रीड एटलीस्ट वन, सो टोटल माइनस हु डू नॉट रीड एनी ऑफ द न्यूज़पेपर, डू नॉट रीड एनी. अब डू नॉट रीड एनी का मतलब क्या है, जो एक भी ना पढ़ते हो, तो वो कौन से लोग हैं, एच वाले लोग हैं ना, ऐसे जो एक भी नहीं पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स के सर्कल के बाहर है. तो एच कितने, 8 लोग हैं. तो फर्स्ट का आंसर आपके पास आ जाएगा, 8 लोग ऐसे हैं जो एक भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते. द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, एक ही पढ़ते हैं, वो कौन सा रीजन होगा. अच्छा तो मैं समझ गया आप लोगों को क्या डिफिकल्टी जा रही है. जो क्वेश्चन में उसने रीजन बोला है आप वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो. ठीक है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ, एक एक को लिख के बताता हूँ. देखो तो अगर मैं ये वेन डायग्राम यहाँ ड्रॉ करता हूँ, तो हर एक रीजन का नामकरण मैं कर रहा हूँ इसको. ठीक है, नीचे मैं लेके जा रहा हूँ. देखो मैं हर एक रीजन का नामकरण आपको करके दे रहा हूँ. ए रीजन क्या होता है, ए रीजन हो गया, सी रीजन हो गया और जी रीजन हो गया. ये ऐसे रीजन है जहाँ पे एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर. एच एक ऐसा रीजन है जहाँ पे नो न्यूज़पेपर रीड होता है. ठीक है, नेक्स्ट बी ई ऐसा रीजन है जो एच एंड टी दोनों पढ़ते हैं, बोथ दे रीड. नेक्स्ट डी और ई एक ऐसा रीजन है जहां पे लोग एच एंड आई बोथ पढ़ते हैं. और ई और एफ एक ऐसा रीजन है जहां पे आई एंड टी बोथ आर रेड. ई एक ऐसा रीजन है ऑल थ्री न्यूज़पेपर्स आर रेड. ठीक है, और जहां पे अगर ऐसे लिखा जाए एटलीस्ट टू न्यूज़पेपर्स आर रेड, एटलीस्ट टू पेपर जो लोग पढ़ते हैं, कम से कम दो पेपर, तो वैसे लोग कौन से, बी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ऐसे लोग जो एटलीस्ट दो पढ़ते हैं. एग्जैक्टली दो अगर कोई बोलेगा, तो एग्जैक्टली दो के लिए क्या लिखोगे आप, एग्जैक्टली टू न्यूज़पेपर अगर कोई पूछता है, एग्जैक्टली टू न्यूज़पेपर कौन पढ़ता है, बी पढ़ता है, डी पढ़ता है, तो बी प्लस डी प्लस एफ. और अगर पूछता है एग्जैक्टली वन, तो मैंने बता दिया, एग्जैक्टली टू बता दिया, एटलीस्ट टू बता दिया, ठीक है, एग्जैक्टली थ्री बता दिया. तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं. ठीक है, और बहुत बार ऐसे भी बन सकता है, रीडिंग एच बट नॉट रीडिंग, देखो मैं बता रहा हूँ, रीडिंग एच बट नॉट टी एंड आई, मतलब एच पढ़ रहे हैं लेकिन टी और आई नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो ए हो गया रीजन. ठीक है, रीडिंग एच एंड टी, रीडिंग एच एंड टी बट नॉट आई, मतलब एच और टी तो पढ़ रहे हैं लेकिन आई नहीं पढ़ रहे हैं, तो एच और टी ये वाला रीजन एक आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, मतलब ए बी सी. तो आई गेस आपको इसमें डाउट हो रहा होगा सर कौन सा रीजन लेना है, तो दिस इज हाउ डू वी इंटरप्रेट. ठीक है, तो नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन, तो उसका भी हम ऊपर सेकंड वाले का एग्जैक्टली वन का क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, ए प्लस सी प्लस जी. तो इसमें से ए ढूंढा हुआ है आपके पास, सी आपके पास है, तो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर 30 लोग पढ़ते हैं, 8 प्लस 10 प्लस 12. आई गेस आई एम प्रीटी क्लियर. ठीक है, रेस्ट डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. किसी को और कोई डाउट है, विल फॉर श्योर कंटिन्यू फ्रॉम हियर. ओके, और कल आपका केवीपीवाई का क्लास होगा, सो डोंट मिस. ओके.